बहुत सारी मॉम फर्स्ट टाइम मॉम है एंड वो वीडियोस देख के भी सीखती हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देख के ही सीखा है कि मुझे बेबी के लिए क्या क्या लेना है. सो आई हैव शॉप्ड अ लॉट फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस शॉपिंग हॉल विद यू ऑल. स्टे ट्यून्ड एंड गेट इनटू द वीडियो. गाइज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी वीडियो बिकॉज बहुत सारा सामान है जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है एंड इवन ऑफलाइन परचेज एक्चुअली आज ही मैंने रिसीव किया है सुबह सुबह. वो था माई बेबीज हॉस्पिटल बैग और ये तीन का पैक है एंड वन मोर देर इज वन बॉटल कवर ऑल्सो. तो वो मैंने इसी में रख दिया. तो दिस इज द you know baby bag which I have bought for my baby for the hospital and this bag is huge और आप इसमें बहुत सारे compartments हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. ये मैंने Amazon से buy किया है और यहाँ पर आप bottles लगा सकते हो baby की. आप देख सकते हो ये mesh net दी है. यहाँ पर आप bottles लगा सकते हो baby की और इतना cute सा design है. my husband chooses blue. मैं pink के लिए कह रही थी, उसने blue choose किया कि blue ले लो, dark है, गंदा होगा तो पता नहीं चलेगा दादा. तो मैंने ये ब्लू ऑर्डर करा और इसमें अच्छे से ये बटन्स लगे हैं, कार बनी हुई है एंड वन मोर पॉकेट इज़ हेयर एज वेल एज वन पॉकेट इज़ एट द बैक ऑल्सो. सो आप यहाँ पे जो भी आपको रखना हो वो तो मैंने अभी सेट नहीं किया है. और एक ये वो मैं जब सेट करूँगी तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने बेबी बैग में क्या क्या रखा है. और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है. अंदर क्या क्या है नहीं, मतलब अंदर कितना स्पेशियस है. तो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस बैग और इसमें मुझे ये शीट भी मिली जिसमें मैं अपने बेबी को लेटाल के उसका डायपर भी चेंज कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ द बैग जो कि ह्यूज है. इसके साथ जो मुझे दूसरा बैग मिला है उसे वो लोग मॉम्स बैग भी बोल रहे हैं. आई डोंट नो, चलो अगर मॉम्स बैग है तो मैं इसमें अपना टॉयलेटरीज और मेकअप का सामान रख लूँगी बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो ह्यूज. इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा. इन इवन इसमें भी बहुत पॉकेट्स हैं, एक आगे है और दो इधर साइड्स में हैं जो ये मेश पॉकेट कहलाते हैं. ये हैं और प्लस इसका हैंडल है लाइक दिस, सो आप कैरी कर सकते हो. एंड इस पर भी सेम वही डिज़ाइन बना है. एंड दिस इज़ द बॉटल कवर जो आप अपने बेबी के लिए, अभी तो क्या ही बॉटल पिएगा, बहुत छोटा सा तो होगा. आई डोंट नो, शायद मुझे बैग के साथ मिली है ये या किस चीज़ के साथ फ्री मिली है, बट मुझे फ्री मिली है. दैट्स अ थिंग. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिया है अमेजोन वालों ने मुझे. एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड मम लव जस्ट फॉर लाइफ न्यू बेस्ट मॉम ऑप्शंस. एंड मुझे ये छोटू सी प्यारी सी बॉटल जो है वो एज अ फ्री और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिली है फ्रॉम अमेजोन. आप देख सकते हो कितनी क्यूट सी छोटू सी बॉटल है. ओनली 60 ml तक की बॉटल है. अभी मतलब आई लिटरली फॉल इन लव. मैं सुबह सुबह जब जोक के उठी हूँ और मैंने इसको देखा है, आई फेल लाइक क्राइंग. इतनी छोटी सी बॉटल, इतना छोटू सा दूध पिएगा इसमें वो. तो ये छोटी सी बॉटल, तो मैंने अपने बेबी के लिए वाइप्स ऑर्डर करे हैं एंड मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को ये वाइप्स यूज़ करते देखा. मदर्स पर्च के लिए भी लोगों ने बोला था, जो 99% प्योर वाटर वाले आते हैं वो. नेक्स्ट टाइम मैं ऑर्डर करूँगी बट दिस टाइम आई हैव ऑर्डर दीज लिटल्स बेबी वाइप्स जो कि एक पैकेट में अराउंड 80 वाइप्स हैं. तो मैंने 5 का पैक ऑर्डर कर लिया. सारी प्राइसेस मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, प्राइसेस भी मेंशन कर दूँगी एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी कि इसका लिंक, तो आप ले सकते हो. तो मैंने ये 5 का पैक ऑर्डर करा है जो कि कॉम्बो पैक है एंड आई एम गुड टू गो बिकॉज स्टार्टिंग में आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ वाइप्स फॉर माई किड. सो इतने सारे वाइप्स ऑर्डर करे हैं मैंने अपने बेबी के लिए. एंड मैंने जो ऑर्डर करा है वो भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड बेबी, आई डोंट नो विच ब्रांड बट इट इज़ लाइक बेबी नेल ट्रिमर. इसमें कोई ब्रांड नहीं मैंशन है. एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वाला ट्रिमर जो होता है ना वो है ये. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसे खुलेगा, ये भी नहीं पता है मेरे को. इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. सारे अटैचमेंट्स गिर गए हैं ना, तो मैं आपको सही से लगा के दिखाती हूँ. तो ये 5 अटैचमेंट्स आते हैं और ये है आपका वो. ये सेल भी नहीं पड़े होंगे इसमें, तो सेल नहीं है अभी. आपको बस यहाँ पे अटैचमेंट लगाना है और देन इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट. ऊपर है R1 R2 L1 L2. मैं यहाँ पे सारी इसकी पिक्चर दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कैसे होगा.
आई डोंट नो कैसे ओपन होगा, ये ओपन होने का तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं, तो ये चार्ज होगा कि बैटरी पड़ेगी, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। दिस इज़ बाय द ब्रांड बिली बम, और मैंने ये जो है वॉश क्लॉथ ऑर्डर करे हैं उसके लिए। दिस इज़ इन द सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैंकीज, और सॉरी मैंने आपको दिखाई नहीं, दिस 7 हैंकीज, एक मैंने निकाल लिया है सो दैट आपको मैं दिखा सकूँ। और ये हैंकी है, एंड दिस इज़ लाइक प्योर मसलिन कॉटन क्लोथ, और ये बिल्कुल प्योर कॉटन क्लोथ पे है, एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड अमेजिंग, एंड आई एम गोइंग टू वॉश इट ऑब्वियसली। कोई भी बेबी की चीज़ हो, कुछ भी हो, आप बिना उसको वॉश करे मत यूज़ करना, आइदर इट इज़ फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन, प्लीज़ वॉश इट एंड देन यूज़ इट फॉर योर बेबी, बिकॉज योर बेबी इज़ सेंसिटिव एंड द टाइम ही और शी, आई मीन योर किड इज़ बॉर्न, इट इज़ देयर इम्यूनिटी इज़ वेरी लेस, सो आप जो भी चीज़ यूज़ करो प्लीज़ उसको एक बार वॉश कर लो एंड देन यूज़ करो। आई हैव ऑर्डर्ड दिस स्वाडल्स, बेबी स्वाडल रैपर्स फ्रॉम लव लैब फ्रॉम अमेजोन, तो ये जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, स्वाडल्स हैं, एंड यू ऑल नो स्वाडल्स आर लाइक अ रैपर फॉर द चाइल्ड, जिसमें उसके हाथ और पैर ऐसे स्ट्रेट होके आप उसे रैप कर देते हो, एंड दीज आर इन प्योर मसलिन क्लॉथ, आप देख सकते हो इसका क्लॉथ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है, इवन जब आप उसे फीड भी करा रहे हो ना, आप इसको खोल के अपने ऊपर डाल सकते हो, सो दैट अगर कोई बैठा है तो आपको ऑकवर्ड फील ना हो, एंड आप अपने बेबी को आराम से फीड करा सको। सो ये इतने बड़े होते हैं कि आप आराम से इसको अपने ऊपर रैप भी कर सकते हो अपने बेबी को फीड कराने के टाइम। तो ये मैंने 3 का सेट ऑर्डर करा, और तीनों अलग अलग डिज़ाइन में आए हैं, एक में छोटी छोटी फिशेस बनी है, फिशी फिशी, एक में हार्ट्स बने हैं, और एक में ऐसे छोटे से, यू नो आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दिस, बट ये बने हैं। So these are the pack of 3. Then I have ordered this dry sheet from Milo. Milo is also a website for mothers, for to be mothers or for all the mothers who are already a mother. उनके लिए है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है, वहाँ पे मेरा डिस्काउंट कोड, मतलब I have discount code for myself. तो मैंने अपने लिए ऑर्डर करा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिला है, और ड्राई शीट्स आर रियली गुड फॉर योर चाइल्ड, आप इसके ऊपर उसको लटा के मसाज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, इवन अगर वो इसके ऊपर सूसू भी कर देता है तो वो सूख जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ ड्राई शीट एंड दिस इज़ रियली वेरी सॉफ्ट, और ये पिंक कलर में मैंने ऑर्डर करी है, एंड दिस इज़ इन द साइज़ मीडियम, 3 साइज़ आते हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम, तो मैंने मीडियम ऑर्डर करी है। अब चाहूँ तो मैं इसको स्मॉल पीसेज में भी कट कर सकती हूँ, मैं इसको स्मॉल पीसेज में ही कट करूँगी, बिकॉज उसका जो मैट्रेस होगा उस पर लगाने के लिए स्मॉल पीसेज सही रहेंगे, बार बार धुलते रहेंगे, और मैं यूज़ करती रहूँगी। मैं लार्ज वाला भी ऑर्डर कर लूँगी, तो उसको भी मैं छोटे पीसेज में ही कट कर लूँगी। तो ये तो रहा मेरा ड्राई शीट फ्रॉम माइलो। एंड आई हैव ऑर्डर्ड फॉर माय किड इज़ माइलो का ही, मतलब माइलो एसेंशियल से ही आई हैव ऑर्डर्ड दिस बेबी नेस्ट, और मैं उसका पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूँगी, बेबी नेस्ट कैसा होता है। और मैंने ऐसा वाला करा है जिसपे ये ऐसे क्यूट क्यूट से डिज़ाइन बने हुए हैं, कार बनी हुई है, बहुत सारा बना हुआ है, ये बेबी यहाँ पर लेटा हुआ है तो आप देख नहीं सकते हो, बट बेबी नेस्ट मैंने ऑर्डर करा है अपने बेबी के लिए। इसकी प्राइसेस वगैरह मैं सारी स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बेबी नेस्ट। तो ये मैंने अपने बेबी के लिए नेस्ट ऑर्डर करा है। नेस्ट में मतलब आप स्वाडल में उसको रैप करो एंड देन आप उसको नेस्ट के अंदर प्लेस कर दो, मतलब कैसे बोलूँ, किसी के भी गंदे अनहाइजीनिक हाथ नहीं लगेंगे। बस बेबी क्लोथ ड्रायर, आप कैसे बोलोगे, ऐसे वाला जिसमें बच्चे के कपड़े सूखते हैं, मेरे को नहीं मालूम है किसको कैसे बोलते हैं, तो ऐसे इसमें होता है, इसमें 24 क्लोथ एट अ टाइम सूख सकते हैं, और ये ऐसे खुल के कहीं पे भी लग जाएगा, और आप बच्चे के क्लोथ इसी में सुखाओ, यहाँ पे क्लिप ऑन हो जाएंगे आपके क्लोथ, सो इट्स लाइक दिस, और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, दिस इज़ वेरी हैंडी डैंडी, आप इसको फोल्ड कर सकते हो, कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हो, आई मीन कहीं भी ट्रैवल करोगे ले जाओ, आप अपने बेबी क्लोथ इसी पे ड्राई कर सकते हो, आप अगर मेरी तरह हो, सन की, मैं सन की हूँ, तो मैं तो इसको हर जगह लेके जाने वाली हूँ। तो मैंने ये भी बाय करा था फ्रॉम मी एंड मम, मैंने मी एंड मम से लिया था ये। देन आई हैव बॉट दिस बेबी रैपर फ्रॉम बेबी हग, मतलब आई हैव बॉट गॉन टू बरेली, वहाँ पे बेबी हक का स्टोर है, तो मैंने वहाँ से ये बेबी रैपर भी लिया है, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। यू नो ऐसे हेड होता है, बेबी का हेड ऐसे ला के, मतलब अंदर, एंड देन उसको ऐसे आप बेल्ट से भी रैप कर सकते हो, ये ऐसे आती है,
वेलक्रो के साथ आती है। अब उसको इसके अंदर रैप करो, सॉडल में रैप करो, नेस में रख लो या सॉडल में रैप करो, इसके अंदर रख लो। दिस इज ऑल्सो अ बेबी रैपर एंड दिस लुक सो क्यूट। आई लाइक माई बेबी टू बी इन अ वेरी लाइट कलर क्लोथ। देन आई हैव बॉट दिस हॉप होप ऑप, पता नहीं क्या बोलेंगे, होप ऑप पता नहीं क्या सब बोलेंगे। दिस इज बेबी राई पिलो। इस पिलो के अंदर एक्चुअली राई भरी हुई है, राई इन द सेंस सरसों जिसे हम बोलते हैं इंडिया में, उस सरसों भरी हुई है। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर बेबी बिकॉज उसके हेड को शेप देने के लिए राई का पिलो बहुत सही रहता है। वो जिधर भी टर्न करेगा ये वैसा शेप ले लेगी उसके सर से, तो बेबी का सर को गोल शेप देने के लिए दीज राई पिलोज आर दी बेस्ट। तो ये राई पिलो है जो मैंने अपने बेबी के लिए लिया है। आई हैव बॉट दिस कूल बेबी पाउडर पफ फॉर माई बेबी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इसको मैंने क्यों लिया, अदरवाइज मैं नहीं लेती इसको, बिकॉज ऐसा प्लास्टिक था ये। लेकिन मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी लगी, इसके अंदर जो ये पफ है जब आप लगाओगे तो ये ऐसे ऐसे बोलेगा एंड इट्स लाइक मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने इसको देखा, मैं छू 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 बोल रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बोला मैंने यही लेना है, चाहे ये कितना ही मतलब प्लास्टिक में हो, बट आई नीड टू बाय दिस फॉर माय चाइल्ड। तो मैंने ये लिया, दिस इज़ फ्रॉम फ्लोराइट, फ्लोराइट यस, दिस इज़ फ्रॉम फ्लोराइट और ये ऐसा दिखता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मी एंड मम। देन आई हैव ऑल्सो बॉट दिस हाई मम द हैप्पीएस्ट बेबीज नेसल एस्पिरेटर। अगर नोज़ में कंजेशन हो जाए, बुगर्स आ जाए, तो उसके लिए है ये। यहाँ पे सिलिकॉन में है, आप इसे ऐसे प्रेस करो और सारे बुगर्स आपके बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज़ लाइक, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मी एंड मम, यू कैन सी आई हैव बॉट इट फ्रॉम मी एंड मम। ऑल्सो आई हैव बॉट दिस लिक्विड क्लेंजर फ्रॉम चीको एंड दीज आर यू नो बेबी की बॉटल्स, प्लास्टिक, मेटल एसेसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब धोने के लिए। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो अभी खाना नहीं है उसको, तो ये सारी चीज़ें धोने के लिए ये मैंने चीको का लिया है जो कि मी एंड मम पे मिला था मुझे। और लिक्विड क्लेंजर है ये, और इसी से मैं उसकी बॉटल्स, उसके फीडर्स, उसकी सारी चीज़ें धोने वाली हूँ। और कोई और सा डिटर्जेंट, मतलब जो कॉमन हम अपने घर पे यूज़ करते हैं अपने बर्तन के लिए, अपने यूटेंसिल्स के लिए, वो नहीं यूज़ करूँगी। एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर हिम और हर, वॉट एवर इट इज़, उसके लिए है। तो ये उसकी बॉटल्स को धोने के लिए है या कोई भी उसकी एक्सेसरीज को धोने के लिए, ये चीकू का लिक्विड क्लेंजर मैंने लिया। देन आई हैव ऑल्सो बॉट दिस फिलिप्स अवांट नेचुरल वाइट ब्रश शेप ट्रीट फॉर नेचुरल लैच ऑन अल्ट्रा सॉफ्ट टीथ मिमिक्स द फील ऑफ द ब्रेस्ट बॉटल्स। और ये पैक है दो बॉटल्स का, एक्चुअली दो बॉटल्स हैं अवांट, अवेंट पता नहीं क्या बोलते हैं फिलिप्स का। और इसका जो एक्चुअल निप्पल शेप है वो एक्चुअली आपके टिट्स जैसा ही है, सो दैट द बेबी कैन लैच ऑन ईजिली। तो ये बच्चे के लिए बॉटल्स हैं और ये दो का सेट था, तो मैंने दो का सेट ले लिया बिकॉज अभी नहीं, आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये दो बॉटल्स का सेट है जो कि फिलिप्स अवांट रेंज से है फॉर बेबीज। एंड दिस इज लाइक दिस, ऑनलाइन ऑर्डर करा है ये माइलो का केयर जेंटल बेबी लॉन्ड्री डिटर्जेंट, और मैंने ये कॉम्बो में ऑर्डर करा था। मुझे इसकी प्राइस अभी याद नहीं है, मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज यहाँ स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो ये दोनों जेंटल बेबी लॉन्ड्री डिटर्जेंट हैं जो सिर्फ स्पेशली बेबी के कपड़ों के लिए ही हैं, और आप इसी में बेबी के कपड़े हो, पिलो हो, बेबी का ब्लैंकेट हो, बेबी की हर एक चीज़ आप इसी ऐसे डिटर्जेंट्स में ही धोइए। आप अपने साथ वाले डिटर्जेंट में मत धोइए, मतलब जिसे आप अपने कपड़े धोते हो उससे बेबी के कपड़े नहीं धुलते। तो ये स्पेशल बेबी डिटर्जेंट है जो मैंने माइलो से ऑनलाइन मंगाया था। तो ये दो का कॉम्बो पैक मुझे मिला था एंड दिस इज़ फॉर अराउंड कितने किलो का है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। दिस इज़ फॉर 1 लीटर, 1 लीटर दैट मीन्स 60 लोड्स। तो आप इसे अपनी यू नो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हो या आप टब में भी डाल के कपड़े धो सकते हो। तो ये माइलो के दो डिटर्जेंट मैंने ऑर्डर करे थे। देन जो मैंने ऑर्डर करा था ऑनलाइन वो है ये पूरा का पूरा सेबामेट का कलेक्शन, जिसे आप बोल सकते हो सेबामेट कॉम्बो, जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था, आई एम सॉरी, सेबामेट का कॉम्बो जो मैंने ऑर्डर करा था। तो ये है सेबामेट का जेंटल वॉश मेरे बेबी के लिए, देन मैंने सेबामेट का क्रीम फॉर एक्स्ट्रा सॉफ्ट, देन सेबामेट शैम्पू, सही होगा ना,
छोटू सी गंजी सी कोपड़ी पे उसको साफ़ करने के लिए। देन सेबामेड बॉडी लोशन। सो ये सारी चीज़ें बेबी के स्किन केयर में आ गई है। ये चारों चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी अमेजोन से, एंड पर मुझे इसमें सिर्फ एक यही एक्स्ट्रा क्रीम है जो फुल फ्लेज यू नो आपको पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है, अदरवाइज आपको सारे ये मिनिएचर प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं। सो ये पूरे चारों का कॉम्बो मैंने ऑर्डर करा था अमेजोन से, जिसमें आपको क्रीम मिल रहा है, बॉडी लोशन, शैम्पू एंड जेंटल वॉश मिल रहा है। इसके अलावा जो मैंने खुद मी एंड मम स्टोर से लिया था सेबामेट का पाउडर, मैंने सारा कुछ सेबामेट का ही लिया है अपने बेबी के लिए, मतलब होने वाले बेबी के लिए सब कुछ सेबामेट ही लिया है, बिकॉज आई हैव लिसनिंग वेरी गुड रिव्यूज़ फॉर सेबामेट। तो मैंने सेबामेट का बेबी पाउडर लिया है, देन मैंने सेबामेट का ही रैश क्रीम भी लिया है अपने बेबी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली डायपर पहनेगा या लंगोट पहनेगा, वट एवर ही इज़ गोइंग टू वेयर, रैशेज हो जाते हैं बेबी के क्योंकि उनके स्किन बहुत सॉफ्ट होता है। तो मैंने ये सेबामेट का रैश क्रीम लिया जिसका pH 5.5 है, जो बेबी के लिए सेफ है। एंड जो लास्ट थिंग मैंने सेबामेट की ली है वो है सेबामेट क्लेंजिंग बार। नहलाने के लिए साबुन तो चाहिए, जेंटल वॉश भी है कोई बात नहीं, लेकिन फॉर द डेलिकेट स्किन है विद पैंथेनॉल है, एंड इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ द एसिडिक मेंटल, द बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर द फर्स्ट डे। अब आते हैं हम क्लोदिंग की तरफ। हम मेरे बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। तो जो फर्स्ट मैंने ड्रेस ली वो मैंने ये सोच के ली थी कि मैं होम कमिंग ड्रेस पे बनाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि घर पे बनाना, जस्ट बिकॉज होम कमिंग के लिए बनाऊंगी तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सॉडल में होगा प्लस बेबी नेस्ट में होगा तो वो कुछ दिखेगा नहीं। तो मैंने ये क्यूट सी जो है जम्पर लिया है, पूरा है, इसमें सॉक्स अटैच है उसके यू नो लेग्स में, तो ये फंसी बोल सकते हो आप, जंपर बोल सकते हो, ये मैंने लिया है जिसमें आपके सॉक्स भी अटैच हैं, और इस पर एक क्यूट सी सी छोटी सी डक बनी हुई है जो उसके लिए बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये आगे से ओपन बटन वाले हैं जो टिक टक वाले बटन होते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उसको पहनाने में और उसको प्रॉब्लम ना हो एक्चुअली पहनने में। तो मैंने ये लिया था बेबी हक से, ये पूरा एक सेट था, ये थी इसकी ड्रेस, उसके साथ ये इसका कैप आता है बहुत क्यूट सा, प्लस साथ में आपको ये मिटन्स भी मिलते हैं जो कि ओप्स मैंने गिरा दी, ये मिटन्स भी मिलते हैं आपको उसमें क्यूट से, प्लस आपको उसमें एक ये हैंकी भी मिलेगा जो आप अपने बेबी के यहाँ टक कर सकते हो, ये हैंकी उस पर भी क्यूट सी थी डक बनी हुई है, प्लस आपको ये बेबी भी मिलेगा, बिब मिलेगा आई मीन, और आप ये पूरा सेट उसे बना सकते हो। एंड वो या कैसा लगेगा या लगेगी वो मुझे नहीं पता, बट द बेबी इज़ गोइंग टू लुक सो क्यूट इन दिस वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन। सो ये था पहला सेट जो मैंने लिया है अपने बेबी के लिए बेबी हग से। एक्चुअली मैंने बिब्स इसलिए लिया बिकॉज बहुत सारे टाइम बेबी यू नो दूध निकाल देते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे बिब्स लिए। तो पहले तो मैंने ये दो बिब्स लिए हैं, इतने क्यूट हैं, ऐसे मैंने H&M पे देखे थे और मुझे बहुत ईजिली ये मी एंड मम पे अवेलेबल हो गए बहुत चीप रेट पे, मैं सारे रेट मेंशन कर दूंगी। और इस पे तो बहुत क्यूट सा ये डिज़ाइन बना हुआ है, प्लस ये पिंक है तो मैंने ग्रीन एंड पिंक लिया है, कोई मतलब कलर जेंडर नहीं है, बट इट्स लाइक जो मुझे कलर पसंद आता है क्या मैंने वो उठाया। तो ये दो फ्लावर बिब लिए मैंने, प्लस मैंने एक और बेबी हक से बिब का सेट लिया था, ये मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था तो उसको पता नहीं क्यों अच्छा लगा, ये वेलक्रो वाले बिब्स हैं जो ऐसे लग जाते हैं अटैच हो जाते हैं। तो एक ये ब्लू था, एक ये वाइट था जिस पे टेडी बने हैं, और एक ये था लाइट स्काई ब्लू टाइप का, इस पे भी टेडी बना है, तो उसको ब्लू पसंद है तो उसने ब्लू कलर के ये बिब्स का सेट पूरा तीन का सेट उसने ले लिया, तो ठीक है क्योंकि वी नीड अ लॉट ऑफ बिब्स। देन पता नहीं मेरे हस्बैंड राउंड लगा रहे थे बेबी हग में एंड ही फाइंड्स इट आउट, तो जब वो ढूंढ के लाए तो वो ये लाए वाइट कलर के झबलास, एंड ये आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से ये ऐसा है, ओनली एंड ओनली वन नॉट टू टाई, बाकी ये ऐसे खुला रहेगा। सो ये वाइट कलर के झबलास थे एंड ये तीन का सेट था, तो दो ये हैं और एक ये है, तो ये तीन का सेट था और ये उनको बहुत क्यूट लग रहा था मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने ये फ़ौरन के फ़ौरन ही ले लिया बिना मतलब कुछ सोचे हुए, वो क्या लगा हुआ है इस पर बिना सोचे ही ये उठा लिया कि ये मैं तो ज़रूर पहनाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज ये थोड़े ट्रांसपेरेंट थे तो मैंने ऐसे ही मी एंड मम से, मतलब मुझे पता था जबलाज लिए हैं, तो मी एंड मम से मैंने ये
बनियान और वेस्ट व्हाटएवर यू से उसका सेट ले लिया। अब इतनी क्यूट है, इतनी छोटी सी बनियान है, और ये भी मुझे तीन का सेट मिला है, तो एक्चुअली मैं ये वो झबलास के नीचे यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज बिकॉज वो झबला बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है एंड वी कांट यू नो मेक देम लाई इन एसी इन अ वेरी थिन क्लोथ, बिकॉज बच्चे के लिए तो ठंड है, तो उसके लिए मैंने ये वेस्ट ली है, छोटी छोटी सी वेस्ट जो थोड़े टाइम तक ही काम आएंगी, उसके बाद तो मैं इसको बस संभाल के रखूंगी अपने पास। तो ये वेस्ट मैंने ली थी, देन मैंने फिर एक अमेजोन से सेट ऑर्डर करा, जस्ट बिकॉज मैंने ये सेट ऑनलाइन देखा था और मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने ये येलो कलर का और यू नो सेट ऑर्डर करा है, जिसपे हेजहॉग अंडर द ट्री लिखा हुआ है, एंड ये इतना क्यूट सा है ऐसे करके, ये मतलब ये इसकी टी शर्ट है, साथ में इसके ये बिब आता है ऐसे क्यूट सा बिब, देन दिस इज़ द हैट जो उसके साथ आती है, प्लस इसके साथ दो जो है वो ट्राउजर्स और पजामास बोल सकते हैं, पजामा आते हैं, पहला पजामा तो ऐसा होता है नॉर्मली जैसे नॉर्मल पजामाज होते हैं, द अदर पजामा इज़ विद सॉक्स, इसके अंदर सॉक्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये है वो पजामा जो मुझे मिला है उस ऑर्डर के साथ, और इसमें सॉक्स अटैच हैं, तो ये पूरा एक सेट मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है, और मैं उसका रेट भी यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी, सो दैट आप देखो और आप ऑर्डर कर सको, सारे लिंक वगैरह और जिनकी पिक्चर्स मुझे मिल जाएंगी मैं सब यहाँ अटैच कर दूंगी, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट दीज प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा, ज़्यादातर मैंने सारी चीज़ें अमेजोन से ही ऑर्डर करी हैं, बिकॉज कन्वीनियंटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। जो मैंने नेक्स्ट थिंग लिया था बेबी हग से वो है ये बर्प क्लोथ, जो कि आप यहाँ पे अपने रखोगे जब आप बेबी को बर्प दिलाओगे, तो यहाँ पे आप रखोगे और डकार दिलाओगे व्हाटएवर यू से, तो उसके लिए है ये, हमने लिया है बर्प क्लोथ, और ये हमें पांच का सेट मिला था। तो पहला प्रिंट तो आपने देखा जिसपे डाइनो बना हुआ है, नेक्स्ट प्रिंट पे हमें ये फिशीज बनी हुई है, थर्ड प्रिंट पे हमें ये एलिफेंट्स मिलते हैं, फोर्थ प्रिंट पे हमें ये बनीज और फ्लावर्स और व्हाटएवर वी कैन से वो मिलते हैं, एंड फिफ्थ पे हमें ये यूनिकॉर्न और सारी चीज़ें मिलती है। तो ये फाइव का सेट था जो मैंने बेबी हक से लिया था। नाउ मैंने ये बहुत सारे लंगोट्स ऑर्डर करे थे, एंड दिस कम्स इन द सेट ऑफ आई गेस 2, 4, 6, 8, 10, 10 का सेट आया था, एंड आई लाइक पेस्टल कलर्स, आई लाइक लाइट कलर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो मैंने ये लाइट कलर के ऑर्डर करे थे, एंड इनका क्लोथ काश मैं आपको बता सकती है, आपको देख सकती है, आप छू के देख सकते हैं, इट्स सो सॉफ्ट, आई नेवर थॉट के अमेजोन से इतनी अच्छी क्वालिटी का, मतलब आई डोंट नो कि मतलब बेबी के लिए इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का क्लोथ आपको बाहर मिल जाएगा अमेजोन पे, और ये लिटरली इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि जैसे आप अपने मुंह पे पोंछ सकते हो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्लोथ है। तो ये बेबी के बम के लिए और वो बम वाले एरिया के लिए ये वाले लंगोट्स बहुत सही है जो मुझे मिले थे अमेजोन से, ये 10 का सेट है। एंड ऐसे ही मैंने एक और सेट ऑर्डर किया था, बट वो क्लोथ अलग है, एंड दिस इज़ प्योर कॉटन, आप इसको धोगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा, और ये 12 है, ये 12 आए थे लंगोट्स, एंड इसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है, मैं दोनों की पिक्चर्स स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो ये आगे से इस शेप में है, बिकॉज वी शेप वाले अब चलते नहीं है, तो मैंने ये इस शेप के ऑर्डर करे हैं इस बार, सो दैट यहाँ पे ये आराम से फिक्स हो जाए इसके, तो ये वाले मैंने ऑर्डर करे थे, एंड ये दिस कम्स इन 12 का सेट, और इसमें ही मैंने ये पेस्टल कलर्स ऑर्डर करे। नेक्स्ट हमने बाय करा था बेबी हक से, बिकॉज ऑर्डर करा और बाय करा में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, सारा कुछ एक साथ मिला हुआ है, सो वो भी एक सेट था पूरा, और उसमें ये छोटी सी टी शर्ट आई थी जिसके ये हैंड्स ऐसे हैं, सो दैट बेबी के ईजिली ये मतलब पहन ले, और ये ऐसे शर्ट है इसकी, प्लस ये इसका पजामा है क्यूट सा, इतने छोटे छोटे से पैर होंगे, तो क्यूट सा पजामा है स्काई ब्लू कलर का, सेम इसकी हैट है, और वैसे ही सेम इसके आप देख सकते हो ये मिटन्स हैं, एंड सॉक्स भी दिए हुए हैं इसमें, तो मिटन्स एंड सॉक्स एज वेल एज इसका बिब भी है। तो मैंने ज़्यादातर कपड़े सेट्स में लिए हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट के ऊपर कुछ पहने नीचे कुछ पहने, आई डोंट लाइक दैट, तो मैंने पूरे सेट लिया बेबी हक से, एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 700 समथिंग, तो ये पूरा सेट है 700 में, इट्स नॉट बैड बैड डील एट ऑल, मिटन्स भी हैं, सॉक्स भी हैं, बिब भी है, और आपको कैप भी है, पजामा भी है, टी शर्ट भी है, सो ये एक मिला, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। बेबी हक से जो थे बेबी हक से लिए हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि मी एंड मम से लिए, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट मैंने ये हैंकी का सेट लिया था, ये तीन हैंकीज हैं इसमें,
आप देख सकते हो तीनों एक ही जैसे प्रिंट के हैं, बट कलर अलग अलग है, एक पिंक है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। तो ये मैंने हैंकी का सेट लिया था तीन का। वैसे ही मैंने एक और हैंकी का सेट लिया था जो चार का था, ये भी सिर्फ कलर डिफरेंस है, अदरवाइज प्रिंट्स प्रिंट्स भी डिफरेंस हैं। इसमें आपका बी बनी है, इसमें आपके नंबरिंग लिखी है, इसमें आपकी बर्ड्स हैं, इसमें आपके सॉक्स हैं, तो ये मतलब सॉक्स बने हुए हैं, आई मीन प्रिंट है। तो ये चार हैंकीज का एक और सेट बन गया था, क्योंकि बेबी के लिए हैंकीज आर रियली मस्ट, बिकॉज वो उनको आपको बार बार पोछना पड़ेगा, तो आपको हैंकीज चाहिए। तो मैंने हैंकीज के ही अराउंड 7 हैंकीज ये हैं, और 5 7 हैंकीज आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो मेरे पास हैंकीज बहुत हो गए हैं बेबी के। देन मैंने जो नेक्स्ट चीज़ ली थी वो मैंने लिए थे सॉक्स एंड मिटन्स, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था सॉक्स एंड मिटन्स जितने भी होंगे उतने कम पड़ जाएंगे, तो सॉक्स एंड मिटन्स ज़्यादा लेना। मैंने एक एक ऐसा सेट लिया था जिसमें कैप नहीं थी, तो ये मैंने मिटन्स लिए थे और ये मैंने सॉक्स लिए थे, ऐसे करके हैं, दीज आर लाइक दिस। तो ये ऐसे होंगे, यस, बिकॉज ये पैक ऐसे हैं तो ऐसा लग रहा है, बट ये ऐसे हैं। तो ये सॉक्स हो गए और यही इनके मिटन्स हैं। तो आप वाइट कलर के कोई भी कपड़े पहनाओ, झबले जैसे मैंने दिखाए थे आपको, वो झबले आप पहनाओ, उस पर आप ये पहना सकते हो, कंट्रास्ट, वाव, इट विल लुक नाइस। सेम वे मैंने एक सेट और लिया था ऐसे ही, जिसमें आपको ये सॉक्स मिलते हैं, ये कलर मुझे बहुत पसंद था नियॉन, ये आपको सॉक्स मिलते हैं, ये आपको इसमें मिटन्स मिलते हैं, प्लस इसमें आपको कैप भी मिलती है। तो ये भी आप वाइट के साथ पेयर कर सकते हो, ब्लू के साथ भी पेयर कर सकते हो, ग्रीन के साथ भी पेयर कर सकते हो। तो ये मैंने एक और सेट लिया था मिटन, सॉक्स एंड कैप्स का बेबी हग से, बिकॉज आई वॉज लाइक जब से मैं प्रेग्नेंट हुए थे मुझे ये था कि मैं अपने बेबी को वन सी ज़रूर पहनाऊंगी, तो मैंने ये बीची वन सी ली थी अपने बेबी के लिए, और ये बीची वाइब्स जैसे दे रही है, और ये मुझे बहुत 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 क्यूट लगी। एंड दिस वाज अराउंड जस्ट 200 रुपीज़ आई गेस, तो ये 200 रुपीज़ में बेबी हक में मुझे बहुत अच्छी वंसी मिल गई थी, एंड आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ फ्यू मोर वंसीज फ्रॉम H&M, बिकॉज H&M पे भी बहुत अच्छी वंसीज हैं, सो मैं वो वंसीज भी ऑर्डर करूँगी, अभी नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि बिकॉज अभी बेबी बढ़ता रहेगा, मैं ज़्यादा कपड़े ले लूँगी तो फिर सिर्फ उसके छोटे हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ली हैं जो अभी मैं 3 मंथ्स तक उसे आराम से पहना सकूँ। तो दिस इज़ द वन सी विच आई बॉट फॉर माई किड। देन फिर मैंने एक सेट लिया जो मेरी सिस्टर को बहुत पसंद था, बिकॉज शी वॉन्ट माई किड टू वेयर दिस एज अ होम कमिंग ड्रेस। सो मैंने ये वाइट कलर का लिया है जिसपे लिखा हुआ है जॉय इज़ विद मॉम। यस, जॉय इज़ विद मॉम, किड्स लव देयर मॉम, एंड आई मतलब अभी ये आया नहीं है या आई नहीं है, स्टिल आई एम इन लव विद माई किड। तो मतलब मैं बता नहीं सकती उस मोहब्बत को, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, डिफाइन नहीं कर सकती, बट स्टिल आई फील लाइक ये मेरा है, ये मेरा अपना ही है। तो ये मैंने लिया है, ये इजिली आगे से ओपन होने वाला ही है, जैसे मैंने आपको बताया टिक टिक बटन वाले, टिक टैक और टिक टिक बटन वाले हैं ये, एंड ये न्यू बॉर्न के लिए छोटू सा ये है, साथ में इसका ये छोटू सा पजामा है विथ सॉक्स अटैच इन टू इट, जो कि बहुत बेटर है, बिकॉज छोटे छोटे सॉक्स खो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में भी खो जाते हैं, तो जो है ये इसके अंदर अटैच है वो ज़्यादा बेटर है, इसके अंदर उसके पैर कवर रहेंगे, मच्छर वच्छर भी नहीं काटेंगे। तो ये है इसका आई गेस पजामा, गेस नहीं, करेक्ट, पजामा, एंड साथ में इसकी ये क्यूट सी हैट है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं यही बनाना होम कमिंग पे, इसकी हैट बहुत क्यूट है, सो ये हैट मिली है हमें, ये तीन का एक सेट है। देन हमने एक और सेट लिया, वो भी ऐसे ही था, दिस इज इन दिस ग्रीन कलर, उस पर ये स्कूबी डूबी डू जैसा डॉगी बना हुआ है, एंड ये फुल स्लीव्स का है, एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज लाइक वो वाले बटन जो होते हैं, जो कॉमनली हर चीज़ में होते हैं बटन्स, वो होल वाले बटन, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये ऐसे वाले बटन्स में है, ये इसकी शर्ट है, और ये इसका पजामा है, पजामा, एंड इसमें ये इसके सॉक्स भी लगे हुए हैं, प्लस उसमें ये हैट भी है। तो ये भी एक सेट मैंने ऐसे लिया था। एंड लास्ट थिंग जो बची है इस हॉल में वो है ये 3 पेयर ऑफ शीट्स। ये शीट्स जो है एक्चुअली इसमें पीछे प्लास्टिक लगी है, तो बेबी सूसू करेगा तो ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, और आगे से ये ऐसे दिखती हैं शीट्स, एंड दिस इज अ वेरी बिग साइज, अ वेरी बिग साइज, आप देख सकते हो बहुत बड़ा साइज है ये। तो ये आप अपने ब्लैंकेट पे या आपका जो गद्दा बनेगा बेबी का, उस गद्दे पे आप इसे लगा सकते हो, और जो है बेबी सूसू करेगा तो बस आपको ये शीट उतारनी है,
आपको गद्दा नहीं चेंज करना पड़ेगा उसका, तो बस शीट उतारो दूसरी शीट लगा दो। एज वेल एज मैंने डिग्निटी शीट्स भी ले रखी हैं, पर डिग्निटी शीट्स मेरी मम्मा के पास पड़ी हैं तो वो मैं अभी दिखा नहीं सकती। वो डिग्निटी शीट्स जो हैं वो भी आपके लिए बहुत काम आती हैं, आप बस लगाओ, वो 3-4 बार एब्जॉर्ब कर लेती हैं अगर बेबी सुसु करता है, एंड देन आप उसे उठा के फेंक सकते हो, दूसरी लगा सकते हो, एंड दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। ये तो आपको धोनी पड़ेंगी, वो आपको धोनी नहीं पड़ेंगी। एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड टाइडी स्लीप। तो ये भी एक 3 का सेट था, तो एक प्रिंट मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा प्रिंट ये था फिशीज का, और थर्ड प्रिंट ये था, प्रिंट प्रिंट नहीं प्रिंट, तो थर्ड प्रिंट ये था। ये 3 थी। जो लास्ट थिंग रह जाती है इसमें वो है ये बॉटल कवर, क्योंकि मैंने छोटी बॉटल्स ली हैं एंड छोटी बॉटल्स को कवर करने के लिए छोटा कवर बहुत अच्छा है। इसमें छोटू सा टेडी बियर भी बना हुआ है, मुझे और कोई कलर ही नहीं मिला, ब्लू ही कलर था उसके पास, तो मैंने ये ब्लू ले लिया। सो गाइज, दिस वॉज ऑल विच आई हैव बॉट फॉर माई बेबी, एंड आई होप आपको ये ह्यूज शॉपिंग हॉल पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी व्हाट्स इन माई शॉपिंग बैग, सॉरी व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग, मैं इतना एक्साइटेड हो गई हूँ बोलते हुए भूल जा रही हूँ, सो व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग बेबी एडिशन भी लेके आ रही हूँ। सो गाइज वेट करना उस वीडियो के लिए, बहुत जल्दी वो वीडियो भी आने वाली है, जस्ट बिकॉज टाइम बहुत करीब आ गया है, एंड आई एम फीलिंग स्कैर्ड एंड आई एम फीलिंग एक्साइटेड एंड आई एम फीलिंग हैप्पी, सारे इमोशंस मिक्सड हैं, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं एंड आई एम डन। सो वेट फॉर माई व्हाट्स इन द हॉस्पिटल बैग फर्स्ट टाइम मॉम बेबी एडिशन वीडियो। टिल देन गाइज, इट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।